नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8 जुलाई 2018 को आयोजित हिंदी विषय की नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र। इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। कल हमने 125 प्रश्न सॉल्व करे थे, लेकिन 2018 में 18 से पहले दो प्रश्न पत्र होते थे, सब्जेक्ट के द्वितीय और तृतीय। लेकिन 2018 से यह व्यवस्था की गई कि सब्जेक्ट का एक प्रश्न पत्र होगा जिसके अंतर्गत 100 प्रश्न आएंगे और एक होगा कॉमन जो सभी के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार जैसे पहले तीन होते थे, 2018 से दो ही प्रश्न पत्र हमारे होते हैं। ये जो पेपर है 8 जुलाई 2018 वाला, इसके बाद वाला जो दिसंबर वाला पेपर आयोजित किया गया था वो NTA के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो आगे के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वह देखना अति आवश्यक है, और पुराने भी यदि आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको ये स्पष्ट करूँगी कि किस प्रकार पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न बार बार दोहराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2004 और 5 वाले प्रश्न पत्र हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, उनसे भी प्रश्न दोहराए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में कुछ भी विशेष बदलाव नहीं आए हैं। और यदि बदलाव हुए भी हैं, नए शोध हुए भी हैं, तो इतिहास ग्रंथ अभी भी रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इन्हीं के मान्य हैं। शुरू करते हैं आज का पेपर। उससे पहले कल वर्षा जी का कमेंट आया था मेरे पास, मैंने 2017 वाले में एक बार आपको प्रश्न करवाया था कि किसकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने ये कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाँ जाता है जाको, जो कछु लेना हो सो ले लो। तो वर्षा जी का कमेंट आया कि बल्लभाचार्य की, जी नहीं, मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाते समय भी ये कहा था कि बल्लभाचार्य मिसप्रिंट हो गया है, सूरदास की मृत्यु पर ये विट्ठलनाथ ने कहा था। अब वो किसी और प्रकाशन के प्रश्न पत्रों में उन्होंने गलत पढ़ा होगा। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मार्केट में बहुत सारी विषय सामग्री उपलब्ध है, हिंदी के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और बहुत जगह से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट करते रहते हैं, तो उनको आप करने से पहले एक ऑथेंटिक बुक अर्थात एक प्रमाणित बुक के माध्यम से आप चेक कीजिएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो क्या। बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है नेट परीक्षा को पास करने के लिए, लेकिन जो पढ़ें उसको सही पढ़ें। गलत अगर आप पढ़ लेंगे तो सारा आपकी जो मेहनत है, जो पढ़ाई है, सब बेकार हो जाएगी, इसलिए सही पढ़ें। इसीलिए मैं आपके समक्ष प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर रही हूँ। यह है बुक है मेरे पास, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय डॉक्टर नगेंद्र। मोटी सी ये बुक है, पूरी बुक से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए ये जो प्रसंग है यह है पुष्टि मार्गीय भक्ति, इसके अंतर्गत सूरदास यहाँ पे दिया हुआ है, और सूरदास के अंतर्गत यहाँ पे देखिए दी हुई है उनकी अर्थात सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है जाकु जो कछु लेना है सो ले लो। ठीक है, तो ये अब आपके क्लियर हो गया कि सूरदास की मृत्यु पर ही कहा था। फिर भी अगर आप, मेरे पास डॉक्टर नगेंद्र भी है, शुक्ल भी है, लेकिन आप लोग इन मोटे ग्रंथों को न पढ़ पाएँ, क्योंकि अब परीक्षा एकदम नज़दीक आ गई है। अब तक पढ़ रखा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ा है, परीक्षा नज़दीक आ गई है और सब लोग इनको नहीं पढ़ना चाहते, तो इसीलिए एक नोट्स के रूप में छोटी सी पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास मैंने चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत करी है। वो भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में गलत नहीं होंगे। विषय वस्तु को समझने के लिए, प्रत्येक लेखक को समझने के लिए, तत्कालीन समाज की रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल की परिस्थितियों को समझने के लिए वह पुस्तक बहुत उपयोगी है। आप लोगों के मन में ये शंका रह जाती है, इसका मतलब अभी तक आप लोगों ने वह पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने वो चैनल पर पढ़ाई है, तो देखिए चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। वो पुस्तक को मैं आपके लिए इसलिए रिकमेंडेड करती हूँ, इसलिए मैं आपको उस पुस्तक को पढ़ाया है, क्योंकि वो पुस्तक बहुत ही संक्षिप्त रूप में है, नोट्स के रूप में है, बहुत जल्दी आप उसे कर सकते हैं, 4-5 दिन में आप सारे वीडियोस देख के ख़त्म कर सकते हैं। तो बाकी आप लोगों की इच्छा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद गलती करके एक बार परीक्षा में असफल होकर फिर सीख लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सही मार्ग चुनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको देखना ही है कि कौन सा मार्ग चुनना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अभी तक यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इंतज़ार ये नहीं करना है कि नेट की परीक्षा आगे खिसक जाए। आपको करना क्या है, कम समय में तैयारी करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि पुराने प्रश्न पत्रों को आप लगाइए, हल कीजिए उन्हें प्रतिदिन। साथ ही साथ
हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो पुस्तक है, संक्षिप्त पुस्तक आप पढ़ लीजिएगा। बाकी शुरू करते हैं आज का पेपर, काफ़ी सारी बातें हो गई। इसी प्रकार देखिए, आप ये ना सोचें कि मुझे बुरा लगा, जी नहीं, मैं तो आपसे कहती हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ, आपको जहाँ भी संशय हो, जहाँ भी गलत लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं भी उसको चेक करूँ और अन्य लोग भी उस गलती से अवगत हो जाएं। यदि अब देखिए, भले ही मैंने सही पढ़ाया, आपने प्रश्न किया, तो हमेशा के लिए ये प्रश्न आपको सही याद हो गया, साथ ही साथ और विद्यार्थियों को भी ये कंठस्थ हो जाएगा जब हमने इसके बारे में बातें करी। इसी प्रकार अन्य लोगों को भी यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर संशय हो, तो वो अपने विचार अवश्य व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई संशय आपके मन में नहीं है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। भले ही दो ही लोग मेरा वीडियो देखें, लेकिन वो दो लोग भी अगर वीडियो को पसंद करते हैं, तो आगे वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है मुझे, और ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो लोग 2018 का प्रश्न पत्र ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि सामग्री बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन सही सामग्री का अभाव है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयत्न है आप विद्यार्थियों की सहायता करने का। तो अगर आप लोग इसको आगे पहुंचाना चाहते हैं इन वीडियोस को, तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि बिल्कुल बकवास वीडियो, इससे कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेरी कमी ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों से कर लेती हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही बातें आज हो गई। शुरू करते हैं, पहला प्रश्न, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं चार। ये सब व्याकरण की बातें हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो मगही बिहारी क्षेत्र की बोली है, पश्चिमी क्षेत्र की नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तीसरा प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, सही उत्तर है चौथा, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इनको उत्तर आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक से मिल जाएंगे, और आप लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सिद्ध जो थे, इन्होंने किसी ना तो प्राकृत में लिखी इन्होंने, ना पैशाची अपभ्रंश में लिखी, और ना ही पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी। इनका काल ही वह है जब अपभ्रंश से ख़त्म होने के समय थी, और जो है हिंदी का प्रारंभ होने जा रहा था, अपभ्रंश की अवस्था ख़त्म हो रही थी और हिंदी का प्रारंभ होने जा रहा था। तो मिली जुली इनकी भाषा है, एकदम शुद्ध हिंदी तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मिली जुली है। अगर इन चार ऑप्शंस में देखें तो ऊपर के तीन बिल्कुल नहीं हो सकते, तो चौथा ही हमें लगाना पड़ेगा, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। और तत्कालीन लोक भाषा हिंदी से तात्पर्य है कि उस समय शुद्ध हिंदी का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, तो मिली जुली थी, उसमें बहुत सारे शब्द मिले हुए थे अपभ्रंश के भी और अन्यों के भी। चलिए आगे देखते हैं, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है, कबीर वाला जो इनका चैप्टर है वहाँ पे ये अच्छे से दिया हुआ है। सूफियों का प्रेम तत्व है निर्गुण, निर्गुण मार्गी जरूर है कबीर, लेकिन अन्य की तरह उनका नहीं है, वहाँ उनमें प्रेम का भी तत्व हमें कबीर में देखने को मिलता है ना। यह तो घर है प्रेम का, उदाहरण स्वरूप में पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आपने किसी भी निर्गुण पंथी ने प्रेम संबंधी दोहे नहीं कहे होंगे निर्गुण संत ने, लेकिन कबीर ने कहे, किस प्रकार, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, भुई उतारे जो धरे वो बैठे घर माही। अर्थात जो अहंकार का त्याग करता है वही प्रेम को प्या सकता है। अब यह प्रेम पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए है, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है। और तो भारतीयों के वेदांत में जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको भी उन्होंने ग्रहण किया उनकी पंक्तियों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, दोहों के पदों के माध्यम से देख लेते हैं, और प्रेम तत्व का भी उन्होंने निरूपण किया। आगे देखते हैं, बाकी प्रेम वाला ये जो वर्णन है, ये सगुण भक्तिधारा के, कृष्ण भक्तिधारा के सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, इन लोगों के में था, लेकिन निर्गुण संतों में ये कबीर की विशेषता रही है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है प्राणचंद चौहान, और इनका ग्रंथ है शायद हनुमान नाटक, या इसको चेक करके मैं आपको बताऊंगी, अभी मुझे सही से पता नहीं है, प्राणचंद चौहान का याद नहीं आ रहा है, लेकिन राम भक्ति शाखा से ये संबंधित है, इनका शायद हनुमान नाटक ही है इनका। भंवर गीत किसकी रचना है? देखिए इसको पहले भी क्लियर किया है, दोबारा मैं क्लियर कर दूं कि भंवर गीत जो है नंददास की रचना है, और भंवर गीत अगर लिखा हो तो वो सूरदास की रचना है, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये जो छठे नंबर का प्रश्न है ये भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, सातवें नंबर का प्रश्न भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, दूसरा जो प्रश्न है ये भी पढ़ चुके हैं, कुल मिला के बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। एक मिनट में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा, बेटा मिट्टू भैया को कुछ दे दो खाने के लिए, वो चिल्ला रहे हैं, उनको कुछ थोड़ा सा
थोड़ा सा कट करके देना उनको, खाने के लिए डाल दो कटोरी में। आगे देखते हैं, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और ह्रास और पतन का युग है। हम देखते हैं कि राजनीतिक रूप से अब ये जो चीज़ें हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो राजनीतिक साहित्यिक सांस्कृतिक आर्थिक परिस्थितियां मैंने आपको पढ़ाई हैं हिंदी साहित्य की सरल बुक के अंतर्गत, तो उससे भी आप इसको कर ले जाएंगे। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि को याद कीजिएगा तो आपके नाम ज़्यादा आप न कर पाए तो बिहारी तो आपको याद आ ही जाएंगे, है ना। ज़्यादा आपने नहीं पढ़ाई करी है, शुरुआत है आपकी, तो बिहारी याद आ जाएंगे। बिहारी का शासनकाल है जयसिंह के समय का, तो उस समय ऐसा तो नहीं है कि आ रहे थे मुगल, ऐसा तो नहीं है ना। मुगलों के शासनकाल के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद, जो उस चरमोत्कर्ष कब था उनका, शाहजहां और अकबर के समय में था, कहते हैं ना उस समय को, तो उसके बाद हास की स्थिति में होती आ रही थी, यानी अब मुगलों का पराभव होता आ रहा था। जहांगीर के समय में आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, तो वहां से नीचे की तरफ पतन की तरफ ये जा रहे थे, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों को जरूरी नहीं है रटना, जरूरी नहीं है समझना, जरूरी है। आगे देखते हैं, कभी ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब से पहले परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी में या नेट में ये पूछा गया था कि चोजन के चोजी महा मौजन के महाराज हम कविराज हैं पैचाकुर चतुर के, यह पंक्तियाँ किसकी हैं। तो यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये जो पंक्तियाँ ये ठाकुर की हैं। अब उन्होंने यह ठाकुर तो बता दिया कि ये ठाकुर की पंक्तियाँ, अब पूछा है कि किस राजा के विरुद्ध कहा। पंक्ति देख लेते हैं, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरीबे में ने कुजो न मुरके, यह भी पंक्तियाँ पिछले प्रश्न पत्र में पूछी गई हैं कि किसकी हैं। तो एक प्रश्न आपका ये बन गया, दूसरा ये दोनों प्रश्न हम पुराने प्रश्न पत्रों में पढ़ चुके हैं। तीसरी बात, इसको ऐसे पूछा जाता है, ये पूरी पंक्ति आप पढ़ लीजिएगा, है ना, ठाकुर कहता हम बेरी हैं बेवकूफन के, तो ये किसके विरुद्ध कही। इन्होंने ये कही थी अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के विरुद्ध। हिम्मत बहादुर ने, ये ठाकुर थे ना बहुत ज्ञानी थे, तो ये हिंदू राजाओं को या जो अच्छे राजा हैं उनको ये बुरे राजाओं के खिलाफ मतलब सचेत करते रहते थे कि आप उनके गलत कामों में सहयोग ना करो। तो ऐसे ही इन्होंने एक राजा को हिम्मत बहादुर ने, कभी वो अंग्रेजों की मदद करते थे हिम्मत बहादुर, ये बात ठाकुर को पसंद नहीं थी। तो जब वो राजा ठाकुर पद्माकर सॉरी इसकी हिम्मत बहादुर की मदद के लिए जब जा रहे थे, तो रास्ते में ठाकुर ने उनको कुछ पंक्तियाँ सुनाई, उसके माध्यम से उन्होंने राजा को सचेत कर दिया कि तुम गलत कर रहे हो या फिर धोखेबाजी की वहाँ पे आशंका है या जो भी बात है। ये बात जब हिम्मत बहादुर को पता चली तो उन्होंने ठाकुर को दरबार में बुलाया, क्योंकि वो राजा जिसको ठाकुर ने सचेत किया था वो लौट के चले गए, है ना। तो ये बात, तो जब उन्होंने इन्हें डराने धमकाने की कोशिश करी तो ठाकुर ने यह पंक्तियाँ इनको कह के सुनाई। अनूपगिरी इनका असली नाम था, हिम्मत बहादुर अनूपगिरी का विरुद्ध था, इनकी पदवी थी हिम्मत बहादुर, और ये वही हैं जिनके कि आश्रय में कौन से कवि रहते थे, पद्माकर कवि इन्हीं हिम्मत बहादुर के आश्रय में रहते थे, ये आश्रयदाता थे पद्माकर के। पद्माकर आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कल ही के पेपर में मैंने दो पंक्तियां उनकी आपको बताई हैं। आगे देखते हैं, कौन सी रचना ठाकुर जगनमोहन सिंह की नहीं है। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगनमोहन सिंह की रचना नहीं है। प्रेम संपत्ति कला, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, ये ठाकुर जगनमोहन सिंह की पंक्तियां हैं। भारतेंदु मंडल के कवियों को अच्छे से देखना है, एक ना एक प्रश्न वहां से पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखिए ये इतनी बड़ी जो कहानी मैं आपको बताती हूँ ना, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आगामी परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे उसका सही उत्तर आप दे पाए। आगे देखते हैं, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कौतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की यह पंक्तियां हैं, पुनः भारतेंदु मंडल के कवि से आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, आज रात इससे परदेशी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तो श्रीधर पाठक जी की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। तो यह शरदचंद्र के जीवन पर आधारित है। ये प्रश्न भी हम पुरानी प्रश्न पत्रों में करके आए और आगामी जो परीक्षा हुई थी इसके बाद 5 दिसंबर 2019 की, उसमें भी एज इट इज इस प्रश्न को पूछा गया था। आगे देखते हैं, वर्वरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है,
कि ये किस निबंध से उत्तरित है। तो ये महादेवी वर्मा का जो निबंध है युद्ध और नारी, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। यह जो पेपर है ये उस समय का है जब हमारा नया सिलेबस नहीं आया था, जैसा कि मैंने आपको कहा दिसंबर वाले पेपर के बाद अपना NTA ने एक सिलेबस जारी किया और परीक्षा भी UGC के नहीं बल्कि NTA द्वारा आयोजित की जाने लगी, लेकिन वो भी नाटक है, अब भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाते हैं। किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया? तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। आगे देखते हैं, किस उपन्यास में रहीस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो परीक्षा गुरु है ये, उसमें इसके तरीके का, लाला श्रीनिवास दास का ये परीक्षा गुरु, तो उसमें इस तरीके का वर्णन है। पर्णदत्त जयशंकर प्रकाश के किस नाटक का पात्र है? तो हाँ, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का पात्र है, ये भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। हिंदी साहित्य विश्व शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक आप सभी बता देंगे, इस प्रश्न को बार बार हमने पुराने प्रश्न पत्रों में किया है, यह है नंद दुलारे वाजपेयी। यह वही नंद दुलारे वाजपेयी हैं जिन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। आगे देखते हैं, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद, यह भी हम पढ़ के आए हैं। कौन सी पुस्तक IA रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? नोट्स टुवर्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ कल्चर, तो यह उनके द्वारा लिखित नहीं है। ये सब हम पढ़ के आए हैं, कितनी अच्छी बात है ना कि पुराने प्रश्न पत्र हम करके आए हैं और ये कितना इजी लग रहा है हमें। अगर पुराने प्रश्न पत्र किए बिना अगर इसे सॉल्व करते ना तो ये बहुत टफ लगता। आगे देखते हैं, घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्ज्व करई परम महासुह एक हु कणे दुर्य अशेष हरे, उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? तो इसके लिए देखिए मैं आपको फिर लौट के वही कहूँगी कि शुक्ल जी की जो किताब है ना नेट के लिए बहुत अच्छी है, उसमें ये सब दिया हुआ है। सही उत्तर चेक कर लेते हैं, तो महासुख का संबंध किस किस से है? तो महासुख महासुख का तत्सम रूप है, महासुख महासुह का तत्सम रूप है, सही बात है, क्योंकि महासुख तात्पर्य महासुख से है। महासुख वज्रयायिनी का परिभाषिक शब्द है, यह भी सही है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, यह भी सही है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह निर्वाण प्राप्ति में बाधक इसको नहीं मानते, बल्कि वो तो इसे सहायक मानते हैं निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति में, ठीक है। तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। आगे है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर है इसका चौथा, ए और सी। नाथ पंथ का हठ योग में मार्ग हृदय पक्ष से शून्य है, नाथ पंथ का हठ योग मार्ग में हृदय पक्ष शून्य है। जैसा कि मैंने कहा नाथ पंथियों से तो प्रेरणा ग्रहण करी है कबीर ने, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी चीज़ ऐड करी, प्रेम को वहाँ पे उन्होंने ऐड करा, और यहाँ हृदय पक्ष शून्य, ये सही बात है। नाथ पंथियों में मन की कोई बात नहीं होती थी, हृदय मन दिल विल इन सब की मतलब प्रेम की कुल मिला के संकेत रूप में प्रेम है तात्पर्य। आप मान लीजिए प्रेम की बात नाथ पंथियों में नहीं होती थी, ये सही बात है ना। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये सब बिल्कुल सच है, इसको हम पढ़ चुके हैं तो इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसको हम हिंदी साहित्य के सरल इतिहास के अंतर्गत बहुत अच्छे से समझ सकें, और ये मेरी बेटी ने इस पर ड्राइंग कर दी है। ना नगरी काया विधि की ना लेख हो जा पावा तेजी ना सह पैठी अगम पंथ बड़वा का तस्मारक जसवी के ना का बंग चढ़ावत सात खंडूचा चार बसेरे जाए पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चार बसेरे से तात्पर्य क्या है? तो ये इसका सही उत्तर है बी और सी, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत नामक चार सोपान। तो ये पद्मावती से लिया हुआ है, जायसी थी, तो जब जायसी के ग्रंथ है तो थोड़ा सा इसमें ये इस्लाम वाला भी है और थोड़ा सा ये अपना हिंदुस्तान वाला भी है, तो ये जो चीज़ें हैं दोनों इसके सही उत्तर हैं। तो ये जब आप देखिए इसको शुक्ल जी की किताब से अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं आपने पढ़ी हो तो मैं बता दूँ, ये जब पद्मावती को प्राप्त करने के लिए राजा रतन सिंह सिंगल द्वीप की चढ़ाई कर रहा था, उस ऊँचे दुर्गम द्वीप का ये वर्णन है। आगे देखते हैं, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबंत फिराई आज हूँ बनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करें दंडत उतन तिन तैने रविदास दासा धनुदासा। इन पंक्तियों में कवि किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो रविदास अर्थात रैदास की ये पंक्तियाँ हैं, और इसमें गर्वोक्ति की तो कोई बात हमें दिख नहीं रही है, लोक व्यवहार तो है ही, लोक व्यवहार तो इसमें बताई गई है कि जाके कुटुंब आचार सहित विप्र करें दंडु, तो लोक व्यवहार इसमें वर्ण व्यवस्था इसमें ही है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबंत
तो वो नीची जाति आप समझ रहे हो वो है, और विनय है तिन तने रविदास दासनु दासा, तो विनय का भाव भी गर्भोक्ति वाली कोई बात इसमें नहीं है, तो ए बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें प्रश्न की तरफ। अब ये कह रहा है कि तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, अर्थात 1 2 3 तीसरी पंक्ति पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। चलिए, झूठो है झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जे अंतु लहा है, ताको सहे सठ संकट कोटिक काड़त दंत करंत हहा है। जानपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, जान के जीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है। तो इसमें जानपनी को गुमान बड़ो, जानपनी को गुमान बढ़ो, तो उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है। गुमान करना, अभिमान करना, घमंड करना है ना, अभिमान कह सकते हैं, गुमान गर्व वाली बात है। तो जानपनी को गुमान बढ़ो, सही बात है, उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है। तुलसी के विचार गंवार महा हैं, तो क्या है, विश्वयं को विश्वयं महागंवार है, ठीक है। फिर दोनों ही बातें इस पे आई हैं। अब देखिए, जैसा कल भी मैंने आपको कहा था कि ये सब पढ़ने से पहले ये पढ़ लीजिए कि तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं। अगर आप परीक्षा में हमारा तरीका क्या, तो प्रश्न को पढ़ेंगे जल्दी से, झूठो है झूठो है झूठो, फिर उसका नीचे पढ़ेंगे कि यार इसमें देखना क्या है, फिर दोबारा से पढ़ेंगे कि अब यार इसमें ढूंढें क्या, इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये जब बड़ा सा प्रश्न हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही है, पहले ये देख लो कि वो पूछ क्या रहा। अब इसमें सिर्फ तीसरी पंक्ति पे ध्यान करें, और जब पूरे का अर्थ अगर आप निकालने बैठोगे ना, तो ये नीचे के दो भी सही लगेंगे, नीचे के दो जो ये तीसरा वाला तो बिल्कुल ही सही लगेगा, है ना, क्योंकि ये मैं भी इसको पढ़ रही थी तो मुझे तीसरा वाला बहुत सही लग रहा था उत्तर को देखे बिना। लेकिन जब इसको पढ़ा के केवल और केवल तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते, तो फिर ये दो है, एक इसका अर्थ करना है, एक इसका अर्थ करना है। जानपनी को गुमान बड़ो है और तुलसी के विचार गंवार महा है, है ना, साफ ही लिख रहा है, तो ये आप आसानी से कर लोगे। आगे देखते हैं, काव्य पंक्तियों का आशय है, यानी पूरी पंक्ति हमें पढ़नी है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उदो, तिरछे हवे जोड़े। तो ए बी और डी, यानी ये सही है, ए बी डी सही है इसका। तो गोपी के दिल में कृष्ण बस गए, ये तो है ही। उर्मे माखन उर्याने होता है, हृदय में माखन चोर गड़े, ये सही है। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं, अब कैसे हूँ निकसत नहीं, कैसे भी नहीं निकल रहे। अब इसका मतलब वो निकालने की कोशिश तो कर ही रही है, तो दिल से निकाल, अच्छा वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, ये तो कहीं पे भी इसमें नहीं लिख रखा कि तिरछे हवे जोड़े, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो ये तो इसमें दिख रहा है कि अब कैसे वो निकसित नहीं है, क्योंकि वो टेढ़े होके अड़ गए, तो वो निकल नहीं पा रहे। किसी चीज़ को टेढ़ा कर दोगे तो वो दरवाजे में फंस जाती है ना, उसी तरीके से गोपी के हृदय रूपी दरवाजे में मन मंदिर में कौन बसे हुए हैं, कृष्ण, अब वो निकल नहीं रहे। तो ये तीनों चीज़ें स्पष्ट हैं, चौथा उसका, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये इसमें सही नहीं है, बाकी सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं, ये पहले भी हम पढ़े आए हैं पुराने प्रश्न पत्र में, दोबारा से देख लेते हैं। आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, कल ही के में शायद हमने पढ़ा है। आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, ये भी सही है। रूढ़ियों से मुक्त है, ये तो आप नहीं कह सकते। और व्यंजना में ये अभिधा मूलक है, ये भी सही है, सीधा सीधा अर्थ है इसका। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद वगैरह, इन्होंने कोई ऐसी रहस्यवादी या ये जो इस आलम बोध है, इन्होंने ऐसी कोई नहीं, सीधे से प्रेम काव्य के रचयिता हैं ये लोग, और सीधी बात को सीधे ढंग से कहते हैं। रूढ़ियों से मुक्त तो प्रेम काव्य नहीं हो सकता ना, जो पारंपरिक रूढ़ियाँ उनका प्रयोग तो उन्होंने किया ही है। अब इसमें क्या पढ़ना है, इतना बड़ा प्रश्न देख के ही घबराहट होती है। पंक्तियों में भाव भी व्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं, भाव व्यंजना, इनमें भाव ढूंढना है हमें कुल मिला के। किंसु को पुंज से फूले रहे सो लगी उर दो जो वियोग तिहारे, माँ तो फिरे ना घेरे अवलन पे जाने मनोज यो डारत मारे, है अभिलाष निपात निपात कड़े ही सूल ऊसा से डारे, है पतझर बसंत दोहु घने आनंद एक ही बार हमारे। क्या कह रहे हैं कि पतझड़ और बसंत दोनों एक बार में ही हमारे साथ हैं, तो उक्ति वैचित्र तो है क्योंकि पतझड़ भी है और बसंत भी है। उक्ति चमत्कार बिल्कुल है और उक्ति विपर्य भी है, ठीक है, उक्ति सादृश्यता नहीं है, तो
ए बी सी सही इसका ऑप्शन है। उक्ति विपरीत उक्ति भी है, पतझड़ और बसंत दोनों ही उक्ति विपरीत है। और अभिलाषण पात निपात कड़े ही सूल उसासिन डारे, उक्ति चमत्कार है। उक्ति वैचित्र मात फिरे ना घिरे अवलिन पर, जान मनोजियों डारत बारे। तो इसी तरीके से तीनों हैं। अब इसको देखिए, ये थोड़े से कठिन हैं, इनको इतना इजी प्रश्न तो मैं आपको लिए नहीं कहूँगी कि बहुत इजी है। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अपने हिसाब से इसको लगा लीजिएगा, लेकिन अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो मैं यही कहूँगी कि इसे आप एक बार स्किप कीजिएगा और पूरा पेपर हल कर लीजिएगा। बाद के 5-10 जो मिनट बचते हैं उसे अपना दिमाग इसमें लगाइएगा, अगर आपको नहीं आता है तो, है ना। बहुत ज़्यादा समय वेस्ट पेपर में नहीं करना है। पेपर को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो इसमें ये नहीं है जैसे OMR शीट में सबसे बड़ी ये था कि हमें एक बार गोला भर देते थे तो दोबारा ऑप्शन ही नहीं बचता था। हमें कई बार क्या होता था, गोला भरने के बाद याद आता है कि अरे यार इसका ये नहीं, ये ज़्यादा सही है, लेकिन तब हम गोला भर चुके होते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप आखिरी समय पर भी जब तक आप उस पेपर को पूरी तरीके सबमिट नहीं करवाते हैं तब तक भी आप अपना प्रश्न का उत्तर चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विहलता बिल्कुल है, आत्मसमर्पण भी है, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी है, रहस्यानुभूति उनके पदों में कहीं भी नहीं है। रहस्यानुभूति तो महादेवी वर्मा के पदों में है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बकवास बात है ना कि लोक साहित्य नहीं है, ठीक है। खड़ी बोली में तो बहुत सारा साहित्य लिखा गया। तो ऊपर के तीनों सही शब्द हैं, तीनों पंक्तियां सही है, नीचे का गलत है। रामधारी सिंह दिनकर से किसका संबंध है, काम अध्यात्म की समस्या, ये उर्वशी है, इस पर आधारित। और पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, तो शायद कुरुक्षेत्र में, ऐसा कुरुक्षेत्र मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो शायद उसमें है। युद्ध दर्शन भी है, ये अंधा युग है, अंधा युग आपका पूरा युद्ध के दर्शन से ही संबंधित इनका नाटक है। तो ये दो की तो जानकारी मुझे है, ये शायद इनका वो जो मैंने आपको बताया कुरुक्षेत्र है वो रचना हो सकती है। बाकी सुधारवादी ये है नहीं कभी, तो ये ए बी सी सही है, डी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अज्ञेय का संबंध किससे, आत्मचेतस, बाबरा अहेरी, विचार कविता, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, तो इसको तो हम आपको असाध्य वीणा कविता में पढ़ा चुकी हूँ, उसका परिचय मैंने दिया था, उसमें आपको बताया था कि जापानी लोक कथा पर आधारित है। अभी तक नहीं पढ़ी हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आत्मचेतस भी और बाबरा अहेरी भी, ये सब इनकी रचनाएँ हैं, विचार कविता इनकी रचना नहीं है। आगे देखते हैं, प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कौन से हैं, बी सी पंडित बुद्धिराम और अमीना, अमीना और बुद्धिराम, तो ये इनकी कहानियों के पात्र हैं। आगे देखते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं, कृष्णचंद, हरिप्रसन्न और गजाधर, ये इनकी उपन्यासों के पात्र हैं। प्रेमचंद पे काफ़ी बल दिया है। अब इस प्रकार सारे लेखकों की कहानियों के पात्र, सारे उपन्यासों के पात्र याद करना बड़ा मुश्किल काम है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह आलोक पर्व और विचार और वितर्क, ये दो इनके निबंध संग्रह ए और सी। कौन सी रचना है, दलित आत्मकथाएं। अब देखिए ये आप लोगों को आना चाहिए, इसको बिल्कुल गलत नहीं करोगे। अपने अपने पिंजरे, ठीक है, और मेरी पत्नी और भेड़िया, यह मेरी पत्नी और भेड़िया ये धर्मवीर सिंह की आत्मकथा है। कल परसों भी इस पर चर्चा करी थी, पूर्व में भी चर्चा करी थी, ये एक दलित आत्मकथा है। और अपने अपने पिंजरे, ये थोड़ा सा अपने अपने पिंजरे, ये मैंने आपको बताया है पर अभी एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है माइंड में, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव की है तो ये दलित आत्मकथा नहीं हो सकती, गर्दिश के दिन भी नहीं है, और ये दोनों दलित आत्मकथाएं। किन लेखों का संबंध यथार्थवाद से है, तो ए और बी मादाम बाबेरी का और सैम मुआ और जॉन लॉक, जॉन लॉक और मैडम बाबेरी और जॉन लॉक, इन दोनों का संबंध यथार्थवाद से है। कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है, अब देखिए कल ही के प्रश्न पत्र में मैंने आपको बताया था कि इनके तीन नाटक हैं, कल के प्रश्न पत्र में इनका करवला बोला था, वहीं मैंने आपको लिख के बता दिया था कि प्रेम की वेदी और संग्राम ये भी इनके नाटक हैं, और आज यहाँ दोनों आपके समक्ष हैं, संग्राम और प्रेम की वेदी और करवला, तीन ही तो नाटक हैं। करवला 2017 में पूछ लिया, संग्राम और प्रेम की वेदी 2018 में पूछ लिया, कितनी आसानी से आप प्रश्न को कर सकते हैं यदि आप पुराने प्रश्न पत्र करके आए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, अभी तक लाइक नहीं किया हो और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। हिंदी साहित्य की सरल इतिहास पुस्तक जरूर पढ़ लीजिएगा। पेपर के बाद मैं आपको यहीं मिल जाऊँगी ये बताने के लिए कि मैंने जो आपसे कहा था
अगर उसका आपने अनुसरण किया तो आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा। आगे देखते हैं साधारणीकरण के विषय में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला दूसरा साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, ये सही है, और साधारणीकरण के लिए भोजन तत्व व्यापार अनिवार्य, दोनों कथन सही है। साधारणीकरण रस स्वाद के बाद की प्रक्रिया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो साथ के साथ होता है। जब आप किसी चीज़ को देख के रस ग्रहण करते हैं तो उसका साधारणीकरण हो जाता है, जैसे कि आप नाटक देख रहे हैं तो उसके साथ आप सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं दृश्य के साथ, तभी तो रस का परिपाक आपके हृदय में होता है। और साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब तक आप उस कैरेक्टर से जुड़ नहीं जाएंगे, कोई भी फिल्म आप देख रहे हैं समझ लीजिए, जब तक आप उससे जुड़ेंगे नहीं तब तक आपकी रसानुभूति नहीं होगी। जब तक साधारणीकरण नहीं होगा, जब तक कभी उस कैरेक्टर को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी कि आपके हृदय में साधारणीकरण हो चुका है उस पात्र के प्रति, तो रसानुभूति संभव ही नहीं है साधारणीकरण। तो ये दोनों गलत हो गए, बीच वाले दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही है, सी और डी। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, ये सी सही है, और डी लक्षण लक्षणा पर आधारित है। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, भाई ये तो थोड़े कठिन टाइप के हैं। बाकी ये रचनाकाल वाले मैं आपको एक दे दूंगी बना के नोट्स, उसमें से आप कर लीजिएगा। क्रमबद्ध वाले बहुत सारे पूछे गए थे, स्थापना और तर्क के भी इसमें 20 प्रश्न पूछे गए थे। और ये जो स्थापना और तर्क के 20 प्रश्न थे ना, यकीन मानिए ये मेरी सफलता का राज बने थे, क्योंकि उस समय गुड़िया छोटी ही थी, बहुत ज़्यादा तैयारी तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों ने मेरी परीक्षा पास करवा दी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ समझ की ज़रूरत है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप पूर्व ज्ञान प्राप्त कर रखा, आपने अच्छे से किताबें पढ़ रखी हैं, तो स्थापना तर्क वाले बहुत सरल होंगे। और इस पेपर में 20 आए थे, 20 के 20 आपको स्थापना और तर्क की जो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगे, यहाँ हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे जी। आगे बढ़ जाते हैं, खड़ी बोली का संबंध है बिजनौर से, ब्रजभाषा का है आगरा से, बांगड़ू बोली जाती है करनाल में, और अवधी अब दोबारा से देखते हैं, खड़ी बोली बोली जाती है बिजनौर में, ब्रजभाषा बोली जाती है आगरा में, बांगड़ू बोली जाती है करनाल में, और अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में। अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है, उसको आप याद रखिएगा, आगे भी रिपीट होगा। अभट्ट में लिखी हुई रचना है कीर्तिलता, ब्रजभाषा में लिखी हुई है भंवर गीत, और खड़ी बोली में लिखी है प्रिय प्रवास, और अवधी में लिखी होगी मधुमालती। ठीक है, आगे देखते हैं, नगर बाहर डोंबी तोहिर कुंडिया छाए, तो कड़हपा की है ये, कौआ तरुअर पंच बिड़ाल लुहिपा की है, हम पढ़ चुके हैं, कड़ुआ बोलना बोलिस नारी खुसरो की है, मेरा जोब ना नबेल रहा भयो है गुलाल, ये खुसरो की है, और कड़ुआ बोलना बोलिस नारी नरपति नाल की है। विसलदेव रासो की पंक्तियाँ आई है, विसलदेव को जब वो उल्हाना देती है उसकी जो है ना वो पत्नी, तब वो ये बोलते हैं कड़वे बोल मत बोलो नारी, तो ये नरपति नाल की है। मेरा जोवना नवेल भयो गुलाल ये पढ़ के आए हैं हम, खुसरो की है, कौआ तरु और पंचबिड़ाल हम पढ़ के आए हैं, ये कड़ापा ये जो है कौआ ये लुहिपा की हैं, कौआ कौआ तरु और पंचबिड़ाल तो ये लुहिपा की है, और नगर बाहर डोंबी तुई कुंडिया छाई तो ये कड़ापा की है। इस तरीके से आगे देखते हैं, ओने घटा परी जग छाहा तो ये जायसी की हैं, जब वो अपनी लटाओं को खोलती है ना, अगर क्या बताएं, पद्मावती वाला प्रसंग है ये, नहाने के लिए जाती है तब तो वो अपने केश खोलती है, तब वहाँ की है ये जैसी का वर्णन है। आवत जात पनैया टूटी कुंभनदास का है, अति मलिन वृषभानु कुमारी सूरदास की है, किरत भुनत भूतावल सोही सुर सरिसम सबका हित हुई, तो ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो में टाइम कितनी जल्दी जल्दी निकल जाता है ना, इतना जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ उसके बाद भी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। अद्वैतवाद को मानने वाले कौन थे, रैदास जी इसके समर्थक थे, विशिष्ट अद्वैत कुंभनदास का था, क्योंकि विशिष्ट अद्वैत किसका सिद्धांत था, बल्वाचार्य का था, और बल्वाचार्य के कौन थे, ये थे ना कुंभनदास अष्टाप के थे, शुद्ध अद्वैतवाद देखिए मैं आपको गलत बता गई, अद्वैतवाद शंकराचार्य का था, तो इसको मानने वाले थे रैदास।
विशिष्टाद्वैतवाद गलत बताया मैंने आपको। रामानुजाचार्य का हम पूर्व के प्रश्न पत्रों में पढ़ के आए तो उस परंपरा के थे तुलसीदास, इनका हो गया। शुद्धाद्वैतवाद बल्लवाचार्य का था तो फिर अष्टछाप के कवि कुंभन दास इसके हो गए। सखी संप्रदाय चलाया था स्वामी हरिदास ने तो इसको मानने वाले हो गए हरिदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जपू जी रचना है नानक की, रसमंजरी रचना है नंददास की, वरवे नायिका बेदर रहीम की और वैराग्य संदीपनी है तुलसी की। ये सब हम पूर्व के प्रश्न पत्रों में पढ़े आए, नया कुछ नहीं है। शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र छत्रसाल का, बिरह वारिश बोधा की रचना है, रीति स्वच्छंद प्रवृत्ति है इसमें, यानी बोधा रीति मुक्त कवि है तो रीति स्वच्छंद वृत्ति की रचना है। और काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण है, कालिदास का है ना काव्य निर्णय, तो ये क्या है सर्वांग निरूपण एक ग्रंथ है। इस प्रकार से इनको आप आसानी से कर सकते हैं, पुराने प्रश्न पत्र में पढ़ के आए हैं। रस सागर श्रीपति की रचना है, रस चंद्रोदय कविंद्र की रचना है, रसराज तो मतिराम की है ही, और रस पीयूष निधि कौन है सोमनाथ, पीयूष याने होता है अमृत है ना, और सोम यानी क्या होता है मदिरा है ना, तो वो आपको प्रसंग याद होगा इस तरह। ये आप थोड़ा सा कठिन लग सकता है, इनको जोड़ के आप कर लीजिएगा। अब आप कहोगे जोड़ के किस प्रकार, देखिए पीयूष याने होता है अमृत, निधि याने होता है संपत्ति, और क्या बोले उसको सागर मतलब संपत्ति विशाल मतलब एक क्या बोले उसको भंडार टाइप है ना, निधि अमूल्य कोई वस्तु, तो रस पीयूष अमृत का जो रस था वो किसने पिया था देवताओं ने, और मदरा किसको पिला दी थी, किनको पिला दी थी मदरा असुरों को है ना, दानवों को मदरा पिला दी गई थी, क्या पिला दिया गया था सोम पिला दिया गया था, सोम रस होता है मदरा, तो सोम रस किसको पिला दी गई थी दानवों को, और देवताओं को क्या पिलाया गया था पीयूष, तो पीयूष और मदरा इस तरीके से लगा लीजिए। रस राज अब रस चंद्रोदय, चंद्रोदय चंद्रता जो देवता है ना चंद्र देवता वो किसके उसमें रहते हैं इंद्र के, इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं ना, और चंद्र देव क्या है उनके गण हैं, मतलब और बहुत सारे देवताओं के राजा कौन है इंद्र, तो इस तरीके से लगा लीजिए। रस सागर श्रीपति, तो रस सागर श्रीपति, श्रीपति कौन होते हैं भगवान लक्ष्मण, तो वो कहाँ निवास करते हैं सागर में, भगवान विष्णु क्षीर सागर में ही तो निवास करते हैं, रस सागर की जगह क्षीर सागर करा लीजिए अगर याद नहीं हो रहा, तो इस तरीके से कर लीजिए। और रसराम मतिराम तो आपको याद ही हो गया, रसराज मतिराम है ना, रसों के राजा मतिराम, जिसकी मति में राम बसते हैं, जिसकी बुद्धि में राम बसते हैं ना, वो सभी रसों का राजा होता है, क्योंकि उसको शांति होती है, उसके मन में आनंद होता है, प्रेम होता है, सारे संसार के रस उसके मति में रहते हैं, सभी रसों का राजा बनता है अगर आपकी मति में भगवान राम विराजते हैं, तो इस प्रकार लगा लीजिएगा। ट्रिक कैसी भी हो टेढ़ी मेढ़ी परीक्षा में काम करनी चाहिए है ना। अब भाई जो याद नहीं होगा उसका कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी ना, परीक्षा तो पास करनी है ही। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो ना कहीं निराला, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में, ढूंढ रही हूँ अर्थात महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। अब देखिए ये छायावाद के कवियों की पंक्ति है, छायावाद के चारों कवियों से प्रश्न पूछा जाना निश्चित है। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। अग्गे की पंक्तियाँ, ये छायावादी नहीं है पर पंक्तियाँ नहीं की है। बिखरी हल्के जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल शिखंड सदृश था, स्पष्ट भाल पंत जी की रचना है, पंक्तियाँ हैं, पूर्व में भी इसको हम पढ़कर आए हैं, इसलिए पुराने प्रश्न पत्र से रिपीट है। कर्ण पात्र है रश्मि रथी का, कमला पात्र है प्रलय की छाया का, औशिनिरी पात्र है उर्वशी का, और राहुल पात्र है यशोधरा का, ये भी हम पूर्व में पढ़ के आए हैं। सारे के सारे प्रश्न पुराने प्रश्न पत्र से रिपीट हो रहे हैं। अज्ञे की रचना है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बच्चन सिंह की रचना है सतरंगनी, रघुवीर सहाय की है सीढ़ियों पर धूप, सुमित्रा नंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद, और दीपशिखा रचना है महादेवी वर्मा की, ये भी प्रश्न हम पूर्व में पढ़े आए हैं। देखिए कितना सरल पेपर है, ये सारा तो हम पढ़े आए हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा का है अकवितावाद, नरेश का है नकेनवाद, शंभुनाथ सिंह ने चलाया नवगीत, केदारनाथ अग्रवाल हैं प्रगतिवाद के, क्या आंदोलनों से जुड़े हुए हैं भैया। चलिए आगे देखते हैं, अब तो है ना बहुत लंबा पेपर लग रहा है, बोलते बोलते मुँह तक गया। आकाशदीप की पात्र है बुद्धगुप्त, दिल्ली में एक मौत का पात्र है अतुल, उसने कहा था का पात्र है बोधा सिंह, और गैंग्रीन की पात्र है मालती। आकाशदीप कहानी है प्रसाद की, और उसने कहा था ये है गुलेरी जी की, और गैंग्रीन है अग्गे की।
तो ये तीनों कहानी हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली में एक मौत अभी सिलेबस में है नहीं, तो ये हमने नहीं पढ़ी, पढ़ लेंगे। अजय की डायरी जो उपन्यास है, इसकी विषय वस्तु क्या है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अंतराल की विषय, अंतराल जो है ये मोहन राकेश का है, तो इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। बसंती भीष्म साहनी का है, तो इसका जो विषय वस्तु है वो होगी महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। महाबोध मनु भंडारी जी का है, तो इसकी जो है जो महाबोध समकालीन राजनीतिक परिवेश। तो ये देखिए भीष्म साहनी का वाला जो वीडियो है, और तीन चार वीडियो हैं रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में, तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। आगे देखते हैं कहनी अनकहनी, धर्मवीर भारती की रचना है। गंधमादन कुबेरनाथ राय की है। जीप पर सवार लिया शरद जोशी की, और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की है। कई सारी इसमें से जीप पर सवार इंडिया, मिट्टी की ओर और गंधमादन, ये तीनों हम पूर्व में पढ़ के आए हैं। उर्वी पात्र है पहला राजा की। सुंदरी पात्र है लहरों का राजहंस की। वेणुव्रति पात्र है सूर्यमुखी, और देवसेना पात्र है स्कंदगुप्त की। ठीक है, ये भी हम करके आए, दो तीन ऑप्शन तो हम करके आए ही हैं पहले, बात के आराम से लगा लेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र है सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र है मलिक मुल्ला। मैला आंचल का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद, ये तहसीलदार थे, कल के परीक्षा पेपर में आपको बताया था। एक इंच मुस्कान का पात्र है रंजना, और तमस का पात्र है नथु। तमस का पात्र नथु बार बार पूछा जाता है, वीडियो अगर आप वो देख लेंगे भीष्म साहनी वाला रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में, तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और भीष्म साहनी से प्रश्न जरूर आएगा, दो तीन तो इसी में आ गए। हम हशमत कृष्णा सोपती की है। बच्चन निकट से अजीत कुमार की है। माटी की मूर्त है रामवृक्ष बेनीपुरी की। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की। ये सब हम पढ़ के आए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। अब इसमें अलंकार देखना है। रेमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ये श्लेष अलंकार है। आगे बंसी धुन सुनी ब्रज वधू, चली विसार विचार, भुजभूषण पहिरे पगनी, भुजन लिपटे हार, तो यह असंगति अलंकार है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपट कंटीली डार, अन्योक्ति है। उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे चंद सरोज सब हर्षे लोचन ब्रंग, रूपक है, बहुत सुंदर है ये, उसका वर्णन है रामचरितमानस का, जब धनुष को तोड़ने के लिए रामचंद्र जी खड़े होते हैं ना, तब वहाँ पे ये प्रसंग आया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और ये श्लेष वाला और ये रूपक, ये दो तो आप आसानी से लगा सकते हैं, तो प्लीज़ इनको गलत बिल्कुल मत करिएगा। जो ईजी वाले हैं दो अगर आपको आ गए, तो बाकी अपने आप इसमें आप चेक कर लीजिए करिए, जो दो आ रहे हो ना उनको देख लिया करिए कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। जैसे अगर आपको ये आता है रूपक का, तो पहले ये देख लीजिए कि डी का रूपक सिर्फ इसी में दिया है। अगर आपको ये भी आ जाता है ना, एक भी इन तीनों चारों में से एक भी अगर आपको आ गया ना, तो आप सही लगा ले जाएंगे। आपको पक्का पता होना चाहिए रूपक का उदाहरण है, तो डी में सेकंड में एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे मिला के देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इनको मैं जल्दी से बता देती हूँ। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थुसर, यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स, और उत्तर आधुनिकतावाद यह है फ्रेडरिक जेम्सन। ठीक है, इसमें देखिए क्या आपको बताऊँ। ठीक है, सौंदर्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये वाला जो है ये रामचंद्र शुक्ल के निबंध मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहीं से लिया हुआ है, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, 40 मिनट का, आप इतने भी प्रश्न कर लेंगे तो बहुत सही है, क्योंकि ये देखिए रामचंद्र शुक्ल के निबंध से आना ही आना है। निबंध चैनल पर आपको उपलब्ध करवा चुकी हूँ, तो मैं बार बार पढ़ के सुनाने से कोई मतलब नहीं है, ये इतना भी कठिन नहीं है, इसको पढ़ के आप प्रश्नों के उत्तर दे ही लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं कल के पेपर में। आपको कैसा लगा, क्या सुझाव हैं, तो ये सब प्लीज़ आप लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल 2018 दिसंबर के पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।